योग के जरिए एक नई मिसाल पेश करने की कोशिश की। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 60 लाख लोगों ने योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शिक्षकों की नई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सरकार से हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के जशपुर नगर जिला अध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली। इस दौरान एक कथित सुसाइड नोट में चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने का कदम उठाया, जबकि कथित सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि कलेक्टर और एसपी दोनों ने ही नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक कर्मी शिक्षक संवर्ग तो बन गए हैं, लेकिन अब उन्हें भी वेतन के लिए 3-4 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। वेतन भुगतान में होने वाली इस देर के लिए नगरीय निकाय जिम्मेदार हैं, यह कोई और नहीं नगरीय प्रशासन विभाग की एक अध्ययन रिपोर्ट बता रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की गति को तेज करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। बस्तर संभाग के 7 जिलों में 504 किलोमीटर लंबी सड़कें और राजनांदगांव जिले में 3 बड़े पुल बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 340 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। कुश्तियों के जाने माने पहलवान ब्रॉक लेसनर के वकील पॉल हेमन ने भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह को कानूनी नोटिस भेज दिया है। हेमन का दावा है कि रणवीर ने उनके क्लाइंट के खास वाक्य का प्रयोग करके उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। दरअसल रणवीर ने रविवार को विश्व कप टूर्नामेंट में भारत पाक मैच के बाद अंग्रेजी में लिखा था, ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट यानी खाओ सो जाओ जीतो और दोहराओ। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्म गुलाबो सीताबो शूटिंग शुरू होने के बाद से ही चर्चा में है। हाल ही में टीम ने लखनऊ पहुंचकर शूटिंग शुरू की तो महानायक अमिताभ बच्चन को देखने पूरा शहर उमड़ पड़ा, लेकिन अब इस फिल्म से अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक सामने आते ही फैंस के बीच सनसनी मच गई है।